खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में अंग्रेजी इंटरमीडिएट पेपर लीक के मामले में 3 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का मामला सामने आया था। वहीं बलिया के पत्रकारों में आक्रोश देखने को मिला, जहां बलिया के पत्रकार बाबू भवन टाउन हॉल में मैदान से सैकड़ों की संख्या में काली पट्टी बांधकर जुलूस निकालकर डीएम कार्यालय पर एक सभा कर डीएम से मांग की कि पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा हटाकर रिहा किया जाए, नहीं तो आंदोलन को बाध्य होंगे। देखिए बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। पत्रकार साथी जुटेंगे और एक बैठक होगी और उस बैठक के बाद यह निर्णय किया जाएगा कि लड़ाई की धार को किस तरीके से तेज किया जाए। मेरा स्पष्ट मानना है कि बलिया क्रांतिवीरों की धरती है, इस धरती से आंदोलन को लेकर के निकली चिंगारी को आज तक कोई रोक नहीं सका है। आज़ादी की आंदोलन से लेकर के आप देख ले इमरजेंसी के आंदोलन, कभी भी बलिया से निकली आवाज को कोई रोक नहीं पाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान सरकार और वर्तमान जिला प्रशासन पत्रकारों की लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल प्रशासन को आत्मसमर्पण करना होगा, हमारी मांग को माननी होगी। नहीं मांगेंगे तो आप जानते हैं कि बलिया से निकली यह चिंगारी राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप धारण कर चुकी है। हाँ, आज हम लोग राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि पत्रकारों की तत्काल रिहाई की जाए, पत्रकारों के खिलाफ जो भी फर्जी मुकदमे किए गए उसको वापस लिया जाए, जो भी दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। काली पट्टी इसलिए बाधे हैं कि पत्रकारों के ऊपर, मीडिया के ऊपर जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा दमन की कार्रवाई की गई है, उसके विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने विरोध का इजहार कर रहे हैं। हम ये इस काली पट्टी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, हम यह संदेश देना चाहते हैं कि बलिया के पत्रकारों ने यह तय कर लिया है कि अब वह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आ गए हैं। हमें कमजोर न समझें, बलिया के पत्रकारों ने आज एकजुटता और एकता का जो परिचय दिया है, आप देख रहे होंगे कि सारे पत्रकार संगठन, हर मीडिया संस्थान से जुड़े हुए कलमकार आज यहाँ एकत्रित हुए हैं।